हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल ऑटो टेक सर्व। और आज मैं वैगन आर, जी हां, मारुति सुजुकी वैगन आर के 1.2 लीटर 4 सिलेंडर के सीरीज BS6 नॉर्म्स के साथ और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वर्जन को हाईवे पे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने वाला हूं। हां दोस्तों, वो भी 20 या 25 किलोमीटर नहीं, पूरे 100 किलोमीटर। ये जो इंजन है इसकी मैक्सिमम आउटपुट 50 किलोवाट एट 5500 आरपीएम है और वही मैक्सिमम टॉर्क 113 न्यूटन मीटर एट 4200 आरपीएम। वैसे तो कंपनी का दावा है कि ये गाड़ी 21.5 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है विद स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो चलिए आज हम इसका टेस्ट करते हैं कि ये कहां तक खरी उतरती है। तो लेट्स बिगिन। तो 5 किलोमीटर मैं ड्राइव कर चुका हूं और मुझे कहीं ना कहीं इस वक्त 25 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिल रहा है। एंड द ट्रैफिक इज वेरी मॉडरेट, इट्स नॉट सो हाई ट्रैफिक राइट नाउ। एंड आई विल ट्राई टू कीप द स्पीड एज मच एज पॉसिबल नियर टू द 80 अंटिल अनलेस मुझे जरूरत पड़े कि स्पीड को मैं कम करूँ। तो मेरा मेन उद्देश्य रहेगा कि मैं कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल स्पीड पे गाड़ी चलाऊं, विच इज़ राइट नाउ एट 80-90 किलोमीटर पर आवर। और आप देख सकते हैं कि ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम में कोई गियर चेंज इंडिकेटर का साइन नहीं है। इट मींस द स्पीड व्हाट आई एम ड्राइविंग एंड एट द राइट गियर। मैं इस वक्त फोर्थ गियर पे चला रहा हूँ। जैसे ही मैं 55 क्रॉस करता हूँ मुझे ये फिफ्थ गियर का इंडिकेशन आ जाता है। सो आप मान के चलिए कि जब भी मैं अबव 55 चला रहा हूँ इट इज़ ऑन द ओवरड्राइव साइड। दिस इज व्हाट इज द व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स इज रिकमेंडिंग टू ड्राइव टू गेट द बेटर फ्यूल एवरेज। सौ किलोमीटर का जो मैंने सफर चूज किया है इसे मैं मिनिमम 70 या अबव एवरेज स्पीड के ऊपर रखूं ताकि एक प्रैक्टिकली जो मुझे फ्यूल एवरेज मिलना चाहिए वो मिल सके। तो अभी मैं 15 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूं और देखते हैं कि इसमें अब मुझे 15 किलोमीटर ड्राइव के बाद मुझे 24 का फ्यूल एवरेज मिल रहा है। तो समवेयर अराउंड आप देख सकते हैं ये कंसिस्टेंटली 23.8-24 पे आकर मुझे स्टेबलाइज होता नजर आ रहा है। स्लाइट ग्रेडियंट, सो आई हैव टू कीप दैट स्पीड, आई हैव टू गिव अ स्लाइटली मोर थ्रॉटल, बट दैट इज द वे एक्चुअली। आई डोंट वांट टू गिव द बेस्ट फ्यूल एवरेज, आई वांट टू गिव द मोर प्रैक्टिकल फ्यूल एवरेज टू द कस्टमर्स। आप इस फ्यूल एवरेज को ब्लाइंडली बिलीव कर सकते हैं क्योंकि इसमें मैं एक जो आम कस्टमर जैसे गाड़ी चलाता है मैं वैसे चलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कहीं पर भी मैंने थ्रॉटल को या तो स्पोर्ट्स मोड की जैसे स्पोर्टी अब्यूज करना नहीं कर रहा हूँ और नाइदर आई एम सो यू नो डेलिकेट टू द थ्रॉटल कि मुझे बहुत अच्छा फ्यूल एवरेज मिले। तकरीबन मैं 20 किलोमीटर के आसपास अभी चला रहा हूँ और जो मुझे एवरेज मिल रहा है वो 24 का है। तो ये जो फ्यूल एवरेज है ये कहीं ना कहीं प्योर सिटी में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ये एवरेज को कंसिडर मत कीजिएगा क्योंकि सिटी में मैं चाहे तो वो टेस्ट एक सेपरेटली कर दूंगा आप लोगों के लिए। अगर कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन कीजिएगा अगर आपको स्पेसिफिकली प्योरली सिटी ट्रैफिक कंडीशन फ्यूल एवरेज देखना चाहेंगे तो मैं 100 किलोमीटर्स का टेस्ट ड्राइव सिटी में भी करने को तैयार हूँ। एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जब मैं ये रफ रोड में चला रहा हूँ इस गाड़ी को, इट्स अ ब्रांड न्यू व्हीकल बट कहीं ना कहीं मुझे डोर से अंदर से एक फाइन रैटलिंग का आवाज़ आ रहा है विच इज़ नॉट अ गुड साइन ऑफ बिल्ड। कहीं ना कहीं अंदर जो लीवर है या फिर केबल है अंदर से रैटल कर रहा है, इट्स रियली इरिटेट्स विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ब्रांड न्यू कार। और ये जो आगे आप मेरे सामने बस देख रहे हैं ये बस महिंद्रा की बस है और इस वक्त
रेड बोर्ड है जो आप ठीक से विजिबल नहीं होगा, इट्स अ रेड बोर्ड विच इज टोटली मिट्टी से ढका हुआ है इस वक्त, और ये इस वक्त इनका टेस्टिंग चल रहा है, रियल वर्ल्ड यूसेज पैटर्न का टेस्टिंग चल रहा है। तो बिफोर दिस बस गेट लॉन्च और कुछ चेंजेस, टेक्निकल चेंजेस होंगे इस बस में, जिसकी वजह से इसे फिलहाल अभी टेस्ट किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये गाड़ी को आप लोगों के लिए ही, आप लोगों की सुविधा के लिए कंपनी जो है वो टेस्ट कर रही है। महिंद्रा बस, मैं आपको इंस्टेंट फ्यूल एवरेज भी दिखाना चाहूंगा, आप जरा ध्यान से देखिएगा। मैं ये देखिए, ये इंस्टेंट फ्यूल एवरेज है, क्योंकि इस वक्त मैं ढलान में हूं तो मैंने थ्रॉटल को दबाया हुआ नहीं है, तो इस वक्त मुझे ये 50 किलोमीटर प्रति लीटर का फ्यूल एवरेज दिखा रहा है। आई डोंट नो हाउ मच प्रैक्टिकली दिस इज ट्रू, बट दिस इज व्हाट द मैन्युफैक्चरर इज क्लेमिंग। अगर मैं ढलान में 100 किलोमीटर का मेरा पूरा टेस्ट ड्राइव होगा, जिसमें हम घाट भी देखेंगे, फ्लाईओवर चढ़ेंगे, उतरेंगे, कुछ ट्रैफिक भी मिलेगा, सब कुछ है इस रूट पे, तो एक कस्टमर को यहाँ पर जो बेस्ट फ्यूल एवरेज मिल सकता है, एक प्रैक्टिकल फ्यूल एवरेज मिल सकता है। आई एम सॉरी अगर मैं इसे कहूँ कि बेस्ट फ्यूल एवरेज का टेस्ट करने का तरीका कुछ और है, मैं भी वो कर सकता हूँ, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल, एक आम जिंदगी में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बेस्ट एवरेज निकालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट बेस्ट प्रैक्टिसेस को मैं मेंटेन कर रहा हूँ, प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। आई एम मेंटेनिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज अ फ्यूल एवरेज टेस्ट, नॉट द बेस्ट एक्सीलरेशन और बेस्ट पिकअप टेस्ट। देखिए मैं अभी घाट चढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं एक आगे पहाड़ है, और फिर भी मैं इस घाट को भी जो स्पीड रखा है मैंने वो 80 को ही मेंटेन करके रखा हुआ है, बट थ्रॉटल पोजीशन इज डेफिनेटली स्लाइटली मोर कंपेयरिंग टू द प्लेन रोड्स। और ये पहली बार हुआ है कि ये मुझे हाईवे पे 22.6 का फ्यूल एवरेज। और इस 40 किलोमीटर्स ड्राइव में मेरे को जो अभी एवरेज मिल रहा है वो 22.2 किलोमीटर पर लीटर का मिल रहा है। तो मैं आपको एक और बार फिर दोहरा दूं कि जो ड्राइविंग कंडीशन है वो अनलेडन, यानी कि सिर्फ एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, इसमें कोई लोड नहीं किया गया है। टायर प्रेशर्स को मैंने ऑल 4 टायर प्रेशर्स को एज रिकमेंडेड बाय द कंपनी टेस्ट करने से पहले ही सेट कर चुका हूँ। ये 100 किलोमीटर्स मैं पूरा एसी ऑन के साथ चलाऊंगा, और जो फ्यूल एवरेज कंडीशन है ये एक हाईवे ड्राइविंग कंडीशन है विथ मॉडरेट ट्रैफिक एंड विथ फ्लाईओवर्स एंड वन घाट। ये 100 किलोमीटर मैंने क्यों चुना है, मतलब इसलिए कि मैं 20 किलोमीटर भी चला सकता था और कह सकता था कि यही फ्यूल एवरेज मिल रहा है, लेकिन उस 20 किलोमीटर में हो सकता है कि प्योरली मैंने सिर्फ हाईवे ड्राइव किया हो थ्रॉटल को। लेकिन देखिए इस 100 किलोमीटर के दौरान मुझे कई कंडीशंस मिले जहां मैंने ब्रेकिंग किया, गियर चेंजिंग किए, थ्रॉटल को बढ़ाया कम किया, जो एक प्रैक्टिकली लोग करते हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जब आप अगर फ्यूल एफिशिएंट ड्राइवर या फिर ओनर बनना चाहते हैं तो अपने लेफ्ट लेग को कभी भी क्लच पेडल के ऊपर रेस्ट ना करें। प्लीज़ जैसे ही आपने गियर चेंज किया अपने पाँव को डेड पेडल पे रखिए या फिर नीचे रखिए अगर डेड पेडल नहीं दिया गया है, बट डोंट यूज़ क्लच पेडल एज अ डेड पेडल। इससे
आपका आप आपके क्लच को तो नुकसान कर ही रहे हैं, आपकी क्लच लाइफ तो लॉस में जा ही रही है, साथ में द पावर लॉस, व्हीकल पावर लॉस भी आपको होगा। एक 100 किलोमीटर का ड्राइव काफ़ी है आपके फ्यूल एवरेज को परखने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी लंबा ड्राइव होता है कंसिस्टेंटली फ्यूल एवरेज मिलने के लिए। मिसिंग इन दिस कार इज़ द टैकोमीटर। मैं आपको एक और छोटा सा हिंट दूंगा, जिन गाड़ियों में टैकोमीटर होता है, आप कभी भी किसी भी स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, आपका इंजन आरपीएम को आप 2000 के ऊपर मत जाने दीजिए, फिर देखिए आपका जो फ्यूल एवरेज है वो आपको कैसे, हर गाड़ी में उसका बेस्ट फ्यूल एवरेज होगा। और ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक जो बेसिक ज़रूरत है ड्राइवर को जानने के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लिक ऑन द बटन, मैनुअल आपको बटन प्रेस करना पड़ रहा है जो ऊपर दिया है, जिसमें आपको सीट बेल्ट वार्निंग्स हो गए या फिर फ्यूल कितना है आपकी गाड़ी में, एवरेज कितना मिल रहा है, ट्रिप ए और ट्रिप बी दिया गया है, डिस्टेंस टू एम्प्टी का प्रोविजन दिया गया है, और इसके अलावा ओडोमीटर तो आपको मिलना ही चाहिए। तो ये सारे जो बेसिक ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो आपको इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाता है। तो मेरे इस चैनल में हमेशा आप पाएंगे कि जिस गाड़ी का भी मैं फ्यूल एवरेज टेस्ट करूंगा वो प्रैक्टिकली जो कस्टमर फेस करता है, जैसे उसको गाड़ी चलाना चाहिए, उस हिसाब से जो आपको फ्यूल एवरेज मिल रहा है, दैट इज द फ्यूल एवरेज, नॉट द प्रैक्टिकल फ्यूल एवरेज, टू बी फ्रैंक। दूसरा एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ये जो फ्यूल एवरेज मिल रहा है ये सिर्फ ड्राइवर के साथ मिल रहा है। जैसे जैसे आप इसको में पैसेंजर्स ऐड करेंगे और लगेज को ऐड करेंगे, उसका इफेक्ट भी आपके फ्यूल एवरेज में पड़ेगा। मैं वापस इस बात पर जोर करता हूँ कि टायर प्रेशर को आप हमेशा मेंटेन करके रखिए। 80 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ 80 मिनट में, और जो इस 80 किलोमीटर और 80 मिनट का ड्राइव है, इसमें मुझे एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी 24.6 की मिल रही है। पीछे मैंने आपको महिंद्रा का भी दिखा चुका हूँ, और एक टाटा अल्ट्रा बस टेस्टिंग चल रहा था, नाउ दिस इज टाटा मार्को पोलो टेस्ट इज गोइंग ऑन। तो दोस्तों, मैं ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर चुका हूँ, और तकरीबन एक घंटा 28 मिनट से मैं गाड़ी को चला रहा हूँ। जो मुझे फ्यूल एवरेज मिल रहा है वो 24.4। तो दोस्तों, और 5 किलोमीटर के अंदर मेरा ये 100 किलोमीटर का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। I may able to give you very confident figure of a highway fuel efficiency with AC on. तो दोस्तों, almost we are at covered 99.1 kilometers. 99 kilometers हम चला चुके हैं पिछले 1 घंटे 35 मिनट में। We are at 99.9. और जैसे ही 100 किलोमीटर हम पहुंच गए दोस्तों, आप देखेंगे एवरेज फ्यूल किलोमीटर्स है 24.5। जी हाँ दोस्तों, मैं ये प्राउडली डिक्लेयर कर सकता हूं कि अगर आप हाईवे में गाड़ी चला रहे हैं और इस वैगन आर BS6 फ्यूल नॉर्म्स के पेट्रोल वर्जन विद 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन को सिंगल पर्सन विद ड्राइवर अलोन एसी कंडीशन में चला रहे हैं, तो आपको 24 के आसपास का फ्यूल एवरेज डेफिनेटली मिलेगा ऑन अ हाईवे। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि एसी ऑफ कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में जितना पॉसिबल हो सके आप कमेंट्स में करिए कि एसी ऑफ में भी मुझे ये फ्यूल एवरेज पता लगाना है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही इस टेस्ट को
विद एसी ऑफ कंडीशन, नॉन एसी कंडीशन में दोहराना पसंद करूंगा डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द मेरे व्यूअर्स के लिए। तो प्लीज कमेंट्स में डालिए क्या आप जानना चाहते हैं। साथ ही ये भी देखिए कि अगर सिटी ट्रैफिक कंडीशन में आपको फ्यूल एवरेज पता लगाना है, अगर वो भी पता लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली कीजिए। मैं ये टेस्ट को वापस सिटी, सिर्फ 100% सिटी ट्रैफिक कंडीशन में भी आपके लिए ये टेस्ट करना चाहूँगा। सो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके जितना लाइक करने के साथ साथ कमेंट्स में आप बताइएगा कि आप और क्या इस चैनल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑटो टेक सर्व आपके हर उस जरूरत को, टेस्ट को, फ्यूल एवरेज टेस्ट को दिखाने में डेफिनेटली पूरी कोशिश करेगा। तो टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी ड्राइविंग।